नाभा विच विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने नाभा शहर नूं कूड़ा मुक्त करन लई विशेष मुहिम की शुरुआत की। इस मौके उन्होंने कहा कि गंदगी नाल समाज विच कई सारियां बीमारियां फैल रही हैं अते बच्चे बुढ़े बीमार हो रहे हैं। उन्होंने नाभा वासियों नूं अपील की कि वह नाभा नूं साफ रखण विच उसका साथ देण। नाभा शहर नूं कूड़ा सड़कां ते अज असी नाभा शहर के जागरूकता रैली कढ रहे हैं जिदे स्कूलों के बच्चे NGOs टीचर साडे शहर की सुजाता चावला जी नगर कौंसल प्रधान साडे शहरी प्रधान अशोक अरोड़ा जी साडे यूथ आगू संदीप शर्मा जी साडी सारी टीम असी लग के ये अवेयरनैस दे रहे हैं जागरूक कर रहे हैं कि जिहड़ा कूड़ा ये कूड़ा बेसिकली सोंदा जिस तो बायो CNG बनती है जिस तो बिजली बनती है जिस तो खाद बनती है यही कूड़ा आप सड़कों से सट के डंपां के रूप के शहर का एक दा बहुत नक्शा बदलया जाता जी बुरा लगता शहर साड़ी ये कोशिश है कि डंप मुक्त नाभा होवे और इसे उदे तो कूड़े तो जी है जी असी बिजली बनाईए बायो CNG बनाईए वो असी प्रोडक्ट अगे जाके शुरू करांगे और जिदे नाल बीमारियों तो निजात मिलेगी वड्डे लैवल से जिहड़ा सानू स्किन की प्रॉब्लम होंदी है डायरिया होंदा मच्छर पैदा होंदा ये सब तो निजात मिलेगी शहर खूबसूरत बनेगा। नाभा के लोग बहुत साथ दे रहे हैं और असी एक कूड़ा एंबूलेंस शुरू की है जी जी रात को 7 बजे तो लैके रात के 11 बजे तक कूड़ा इकट्ठा करती है छोटे ढाबे वड्डे होटल सारे तो आप जाके उन्होंने कहता कि तुम कूड़ा सट्टना नहीं है और मैं खुशी है दस दें कि सारे बहुत कोऑपरेट कर रहे साडे प्रधान मैडम सुजाता चावला जी ने हसबेंड पप्पू पंकज जी लगातार लगे हैं साडी सारी टीम लगी हुई है। ये मेरा मकसद है मेरा सपना मैं उम्मीद करता नाभा के लोग इस सुपने के हिस्सा पाएंगे कि नाभा शहर में भारत देश के टॉप 10 शहरों के सफाई के तौर पर शामिल करना मेरा मकसद है और असी वो मकसद हासिल करके जिन्होंने फ्रीडम फाइटर ने अपने देश लिए कुर्बानी दी है जान दी है साडा सिर हमेशा उन्होंने झुकता और मैं बेनती करता कि बहुत लंबे संघर्ष पिछे बड़ी तशद्दत बाद देश को आजादी मिली है। असी इस साल 15 अगस्त में 75वां आजादी दिवस भी मना रहे हैं। मैं बेनती करता कि अपने शहीदों के सुपन साकार करने अपन इंसानियत बचाने की लड़ है अपन अपने शहर साफ रखने की लड़ है अपन भ्रिष्टाचार मुक्त करने की लड़ है अपन नशा मुक्त करने की लड़ है ये ता ही पॉसीबल है जो पंजाब के पंजाबी लोग साथ देंगे ताकि आप अपने पंजाब में और अपने शहीदों के सुपन साकार करने के कामयाब हो सके। साढ़े मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान बहुत सख्त ने इस मामले के उन्होंने ये प्रण लिया कि हूँ नहीं इलैक्शन तो पहला भी कि जिन्ना पंजाब दे विच गलत अंसर ने जिहड़े किसे तों माफिया बन के पैसे की मांग करते हैं किसी नूं ऐं जिवें साडे भरा सिद्धू मूसेवाला नूं कतल कर दिता गया सानूं बड़ा अफसोस है उस गल का कि इदां दीआं बहुत सारियां घटनावां सी। हुण साडी भगवंत मान सरकार बहुत सख्त है और लगातार जिहड़ियां ने कार्रवाइयां हो रहियां साडे DGP अरोड़ा साहब वो खुद जिहड़े ने अगवाई कर रहे हैं और नाभा शहर दे विच वी जिन्ना साडे DSP दविंदर अत्री जी ने SD मैडम नाभा ने SSP पटियाला दीपक पारक जी ने मैडम DC साक्षी साने जी ने साडी सारी लगातार मीटिंग हो रही है जिन्हें जिला पटियाले दे MLA साहबान असीं भी मीटिंग करके लगातार गाइडलाइन जिहड़ियां ने जारी कीतियां ने और उहदा जिहड़ा निचोड़ निकलिया कि वड्डे पद्धर ते जिहड़ी कड़ी है जित्थों चलदा सी उह लोक फड़ फड़ के उहनां दे परचे कीते ने जिलां 'च बंद कीते ने और काफ़ी हद तक मैं कहांगा चोर मोरियां हले भी कुछ हैगियां ने काफ़ी हद तक जिहड़ा नशा वो कंट्रोल होण जा रहा जिहड़ा गैंगस्टरवाद आ वो भी बहुत घट लोगों पहले तो खौफ ही नहीं सी जिहनूं मर्जी रोड ते जांदे किसे दी तुसीं किसे मां दे कांटे ला के लै गए ठीक है जी किसे दा मोबाइल खो के लै गए किसे दा पर्स खो के लै गए इदां दे हालात सीगे अज तों 3-4 महीने पहलां पर हुण जदों दी मान सरकार बनी आ हालात बेहतर हुंदे जा रहे मैं उम्मीद करदा कि पंजाब हमेशा शांति का प्रतीक रहा पंजाबी कौम मार्शल कौम आ पूरी दुनिया के सेवा के तौर पर जानी जाती है और साढ़े पंजाबी 120 मुल्कों के जाके पंजाब का नाम रोशन करते हैं पर पंजाब के कितने ना कितने पिछलियां सरकार फेल रही ने साड़ी सरकार का मकसद है कि असी पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पंजाब के करप्शन नशा बेरोज़गारी ये खत्म करना साडा मकसद है। देखो उन्हों का एक अपना एक जरिया जी कोई भी बंदा कोई भी गल कर सकता पर साडा मकसद है इंसानी की सेवा करनी साडा मकसद है पंजाब नूं अगे वधाउणा जी जिहड़ा दिल्ली पिछे जिहड़ा हैगा धरना लगाया गया सी बंदी दी सिंघा दी रिहाई नूं लैके ज्ञानी जिहड़ा हरप्रीत ने उन्हें बयान दिता भी जिहड़ा हैगा सिखां दी दिहाड़ ते दिल्ली हिले जांदी सी
भी उत्थे मेमोरेंडम नहीं लैन आया कोई। देखो ये सब तो पहली गल तो मैं जिहड़े अकाली दल ने धरना दिता उन्होंने ये पुछना चाहना, जदों सेंटर च बीजेपी सी पंजाब दे विच लगातार 10 साल बीजेपी ते अकाली दल दी सरकार रही है उदों उन्होंने मंग क्यों नहीं उठाई जी। जदों संगरूर बार इलैक्शन आई है तो सुखबीर सिंह बादल कहिंदा जी सानू तुसीं वोट पाओ साडा एम पी जी ताओ असी सिंघां दी जिहड़े बंदी सिंह उहनां दी रिहाई करांगे जी। वह आप खुद मैंबर पार्लीमेंट ने, उन्होंने मिसेज खुद मैंबर पार्लीमेंट ने, यह क्यों नहीं बोलते जी लोग विधानसभा लोग सभा दे विच इन्हां नूं बोलना चाहिए जी। ये सिर्फ कुर्सी की राजनीति करते हैं, अगर ये चाहते सेंटर च बीजेपी है पंजाब च अकाली दल तो बीजेपी की सरकार सी उदों ये मसला हल कर सकते जी, पर मसला हल नहीं करते। चाहे एस वाई एल चाहे चंडीगढ़ पंजाब नूं देण दी गल है जी, चाहे वह आनंदपुर साहब के मते की गल है, चाहे पंजाब के होर बहुत सारे गंभीर मसले ने, चाहे किसानों नाल संबंधित मसले ने, इन्हां ने कदे किसी को गंभीर नहीं लिया। सिर्फ तो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं जी, उत्थे जाके एक बेसुरा जिहा गाना गा रहे ने सुखबीर बादल वट इज दिस, ठीक है ना। ठीक है तुसीं अपनी भावना प्रगट कर सकते हो, पर थोनों ये बहुत देर पहला करना चाहिए सी, जिहड़ा हुण कर रहे ने ना ये बहुत देर पहला सिर्फ दिखावा है जी। अकाली दल मैनू पंजाब दे विच कदे भी सीरियस नहीं लग्या कि वह पंजाब दे लोकां दी कदे गल करदा होवे। जत्थेदार हरप्रीत दे दिहाड़ नूं की समझीए, कदे दिहाड़ नाल दिल्ली हिले जांदा सी। देखो हरप्रीत सिंह जी सत्कारयोग ने, मैं सत्कार करता उन्हों दा अपना यह है, पर ये कोई शक नहीं कि महाराजा रणजीत सिंह तो बाद पंजाब दे विच कोई राजा पैदा नहीं होया। आफ्टरऑल प्रॉब्लम कित्थे है जी, प्रॉब्लम यह है कि साढ़े विच ही पिट च छुरा मारन वाले बैठे ने जी, जिन्हां ने पंजाबी कौम का बहुत वड्डे लैवल ते कांड कीता। इहदे विच कोई शक नहीं, हरप्रीत जी कहिंदे कि पंजाबी दहाड़ मारदा दिल्ली हिलदा, इहदे विच कोई शक नहीं, पिछला ट्रैप रिकॉर्ड चैक कर लो। और पंजाबी इस गल लई जाने जाते हैं, अज भी जाने जाते हैं, और मैं तो यही बेनती करूँगा कि जिथे राजनीति की नहीं लोड़ उत्थे राजनीति नहीं, उत्थे इंसानी की गल की जाए। उन्हों का निशाना की पता कितने लगता है जी, कि ना मीटिंगा करते हैं, की कुछ करते हैं, तो उही जानन जी। साडा मकसद अरविंद केजरीवाल कन्वीनर आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब, साडा मकसद है पंजाब के लोगों जिहड़ियां असी गरंटियां कमिटमेंट कीतियां सी गरंटियां पूरियां करना साडा मकसद है, पंजाबीयत नूं प्रफुल्लित करना साडा मकसद है, पंजाबी जुबान नूं प्रफुल्लित करना साडा मकसद है, उहदे लई असीं काम कर रहे हां। देखो देखो जो किसी ने कर्म किया पुराना, ठीक है ना जी, वो ट्रैप रिकॉर्ड तो हैगा, तो मैं मैं तो उदो सी नहीं राजनीति, मैं तो बहुत छोटा होऊंगा जी। जो किसी ने किया जी अगर विद एविडेंस कोई गलबात तो सख्त कार्रवाई होएगी, तो मैंने भी पता लग्या कि इन्हों को जमीन का नजायज कब्जा भी है बड़े लैवल से, उसे भी कार्रवाई चल रही है। देखो वो वैसे दिल्ली गए थे जी रैंडमली, उन्होंने कोई पेट चो है तो उन्होंने टेस्ट करा लिया जी, उस कोई बड़ी गल नहीं, कितने भी हो सकता जी, परा च जिते अपन कोई नेड़े डॉक्टर मिलता आप उत्थे जाने, ठीक है ना। सो पंजाब दे तुसीं देखोगे असी 15 अगस्त में 75 साल, एक मिनट सर, 75 साल हो गए ना जी आज़ादी नूं, असी 75 महला क्लीनिक जिहड़े आ 15 अगस्त नूं उहदा उद्घाटन करन जा रहे हां, उहदे नाभा भी एक है, और असी हरेक महल्ले च हरेक पिंड दे विच महला क्लीनिक बनावांगे जिथे टॉप क्लास सिहत सुविधावां मिलणगियां, डॉक्टर अवेलेबल होणगे, दवाइयां अवेलेबल होणगियां। तो फिर ये छोटी छोटी समस्यावां जिवें आपां कहिंदे ना पेट च दर्द, पीण वाला पानी, ठीक है ना, ये समस्यावां कूड़े उत्ते पैदा होंदियां ने, जिहदे करके अवेयरनैस असीं कर रहे हां। आपां शहर साफ कर ले तां समझ लो पंजाब जिहड़ा तंदुरुस्त हो गया। सति श्री अकाल जी सारिआं नूं, ते तुसी देख ही रहे हो बहुत वधिया रिस्पोंस सानूं, दो स्कूलों का असी बच्चे इकट्ठे किए ने, गौरमेंट गर्ल्स स्कूल भी है, आरिया स्कूल भी है, प्रिंसीपल साहब ने, सारे टीचर्स ने, सारे MC साहब ने, ADC साहब भी आए हुए ने, बहुत वधिया सानूं रिस्पोंस मिल रहे हैं। डे टाइम तो तुसी देखते हो जी जिवें अपने ऑटो ट्रालियां सारिया लगिया हुई ने, ते लोग बहुत वधिया साथ भी दे रहे हैं। ये कल्ला एक बंदे दे हाथ विच नहीं हुंदा जी, असी मुहिम चलाई है, इसनू सफल करना ना सफल करना नाल तुहाडे हाथ विच है, ते बहुत वधिया सानू रिस्पोंस मिल रहा है, ते अज बच्चों का भी बहुत वधिया साथ मिले, ते शायद नाभा निवासियों नू बच्चों नू देख के हो जाए भी कि शायद हुण कूड़ा असी घट गिराईए ते गंदगी ना गिराईए जिस दे नाल बीमारी फैलती है ते साडा खुद दा ही नुकसान हुंदा है। ते मैं नाभा निवासियों नू यही अपील करना चाहती हाँ कि कूड़े तो निजात पाओ जी, ते ट्रॉलियां ऑटो अपने हैगे ने, ते जिहड़ा आपां अपनी एक रूटीन बनी हुई है जी, आप सड़कों पर कूड़ा गिरा दें तो प्लीज़ उन्होंने ट्रालिया में सुटो तो गंदगी तो निजात पाओ जी। दस टैल न्यूज़ लई नाभा तो जतेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वी आर अ मल्टीकल्चरल नैटवर्क कम्युनिटी, वी ग्रूम कॉम्पिटेंट ग्लोबल सिटीजन्स टू अफेक्ट पॉजिटिव चेंज अराउंड देम।